वेलकम टू अवर प्यूश एकेडमी चैनल। आज हम क्लास 10th का लिटरेचर इंग्लिश का हम ब्लूप्रिंट डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपको पता होगा कि इसमें से कुछ चैप्टर्स रिमूव करे गए हैं, क्या पार्ट रिमूव करा गया है, क्या हम कितने मार्क्स का आने वाला है, सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्लास कौन सी है? 10th क्लास है। सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश है। मार्क्स कितने हैं? 100 है और टाइम 3 घंटे का है। ठीक है, अब जैसे हम आगे देखते हैं, ठीक है, अब हम इसमें आगे देखते हैं कि क्या क्या है। सेक्शन ए से हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में हम करेंगे रीडिंग, जो जिसमें 3 पार्ट रहेंगे, मतलब तीनों में ही क्या रहेगा, तीनों पार्टों में अनसन पैसेज रहेंगे। ठीक है, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 1 वोकैबुलरी रहेगा। सेकंड में भी 2 ऑब्जेक्टिव, 1 वोकैबुलरी का, 2 ऑब्जेक्टिव 1 वोकैबुलरी का, और टोटल मार्क्स कितने कवर होंगे इसमें? 15 मार्क्स कवर होंगे। इसमें से ज्यादा मार्क्स का कुछ नहीं आएगा, इसमें से सिर्फ 1 मार्क्स के 2 ऑब्जेक्टिव 3 शॉर्ट आंसर, 2 ऑब्जेक्टिव 3 शॉर्ट आंसर, ऐसे करके रहेगा, 2 ऑब्जेक्टिव 3 शॉर्ट आंसर। तो ऐसे हमारे कितने मार्क्स कवर होंगे? 15 मार्क्स हमारे कवर होंगे। अगर हम सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी में हमें क्या करना है? राइटिंग वर्क, जो जैसे ज्यादा लिखते हैं ना, लेटर हुआ, समरी हुई, कंपोजिशन हुए, ऐसे हुए, ये सब। तो B1, B2 एंड B3, जिसमें लेटर राइटिंग फर्स्ट में, सेकंड में नोट मेकिंग का समरी, एंड थर्ड में कंपोजिशन, ऐसे। कितने मार्क्स का रहेगा ये? 20 मार्क्स का पूरा कवर करेंगे। इसमें से शॉर्ट, जो वेरी शॉर्ट होगा वो नहीं आएगा, जैसे हमने पहले किया था कि 1 मार्क्स के थे। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें 3 नंबर का एक रहेगा, जैसे कि हमने लेटर लिखा 3 मार्क्स का, एक 4 नंबर का कुछ आ गया, इसी पार्ट में से आएगा। एक जैसे हम ज़्यादा मार्क्स का में देखें तो 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आ गया 6 मार्क्स में से, और फिर आ गया 7 मार्क्स का। तो ये ऐसे 7 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं जैसे, तो ग्रामर और ट्रांसलेशन। अब बच्चों पता है, जैसे कि हिंदी की ट्रांसलेशन इंग्लिश में कन्वर्ट करने, ऑब्जेक्टिव आएगा, डू एस डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, ये सब ग्रामर में होगा, ग्रामर में आएगा ये सब। टोटल मार्क्स कितने आएंगे बच्चों इसमें से? 20 मार्क्स का पूरा आएगा, 1 नंबर का रहेगा, ज़्यादा मार्क्स का कुछ नहीं आने वाला। जैसे कि हमने देखा ऑब्जेक्टिव, 10 पूरे मार्क्स, 10 आ गए पूरे 1 मार्क्स के, फिर 5 आ गए, फिर 5 आ गए, तो 10, 5, 5 कितने हुए? 20 मार्क्स इसमें से कवर होंगे। फिर हम टेक्स्ट बुक की बात करें, ये सब हमने किसका देखा? आंसर पैसेज हुआ, रीडिंग हुआ, राइटिंग हुआ, ये सब का देखा। अब हम देखेंगे जो टेक्स्ट बुक्स में से कितना सिलेबस में से कवर हो रहा है वो। तो ये D1 से लेकर D13 तक है, जिसे D1 में एक्सट्रैक्ट देखते हैं प्रोस का, सेकंड में भी प्रोस का आएगा, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे प्रोस में से, फिर D4 में से जो हमने मतलब बुक में टेक्स्ट बुक से पढ़ा है वो वाला आएगा। इसमें से बच्चों 45 मार्क्स का आएगा, ज़्यादा मार्क्स का आएगा। इसमें से 1 मार्क्स के 3-3 करके ऑब्जेक्टिव आएंगे, मतलब कि D1 में समझ लो 3 ऑब्जेक्टिव आए, फिर 3 ऑब्जेक्टिव आ गए, फिर 3 ऑब्जेक्टिव आ गए, और 2-2 मार्क्स के भी 2 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे और एक 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये इसकी बात करी हमने। अब जैसे हम नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट पे हम D5 की बात करते हैं। D5 पे पोइट्री का रहेगा, ये भी टेक्स्ट बुक का रहेगा, और D6 में देखें तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे इसी के ही, जो कहाँ से आएंगे? पोयम से आएंगे, ये पोएट्री के थे, ये पोयम्स में थे। अब D7 और D8 दोनों ऐड कर कर आएंगे, जो शॉर्ट आंसर टाइप कहाँ से आएंगे बच्चों? पोयम में से आएंगे। D9, D10, D11 ये क्या है? ये आएंगे सप्लीमेंट्री मटेरियल से, मतलब जो सप्लीमेंट्री की जो बुक है उसमें से आएगा। 3 क्वेश्चन रहेंगे D9, D10 और D11, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। फिर है D12, D13, ये भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जो कहाँ से होगा बच्चों? सप्लीमेंट्री मटेरियल से ही होगा। इसमें से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कुछ नहीं आने वाला, इसमें से 2 नंबर के मतलब क्वेश्चन आएंगे, 2 रहेंगे, जो एक 3 का आ जाएगा शॉर्ट थोड़ा, फिर 3 का आएगा, फिर ऐसे 2 करके, और फिर 2 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, इसमें से लेंथी क्वेश्चन नहीं आएंगे। ऐसे हमारे बच्चों हमने सारा देख लिया D13 तक, पूरे सेक्शन ए से, जहाँ से हमने देखा टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं? 100 मार्क्स पूरे हुए। 1 नंबर का ज़्यादा आएगा, जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे 44 मार्क्स के, 2 मार्क्स के जो रहेंगे वो 8 क्वेश्चन रहेंगे, 27 रहेंगे, फिर ये 8 क्वेश्चन रहेंगे, ऐसे करते करते हमारे मार्क्स कितने कवर हो जाएंगे बच्चों? 100 मार्क्स हमारे पूरे कवर हो जाएंगे। अब हमने ये देखा कि क्या क्या आने वाला है। अब हम नेक्स्ट में ये देखते हैं कि कितना सब्जेक्ट, मतलब इसके कितने टॉपिक्स हटे हैं। ठीक है, तो अब हम उसकी बात करते हैं। आप लोगों ने सिलेबस में पढ़ा होगा कि जो टेक्स्ट बुक है उसमें से लेसन नंबर 5 है 10 नीज, ये वाला नहीं आएगा, ये रिमूव करे हुआ चैप्टर है, ये आपके पेपर्स में इस बार नहीं आने वाला। लेसन नंबर 9 है द ट्रिब्यूट 1,
लेसन नंबर 10 है द ट्रिब्यूट टू, ये भी नहीं आएगा. लेसन नंबर 13 है अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ, एंड लेसन नंबर 18 है लास्ट द टेबल्स टर्न्ड. ये वाले जो चैप्टर्स हैं, ये वाले कोई भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में हट गए हैं इस ईयर, तो ये नहीं आने वाले. ठीक है, तो हमारा इसमें ब्लूप्रिंट पूरा एंड होता है. लास्टली मैं आपको यही बोलूंगी कि आपको जो भी डाउट है वो सारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे पीयूष एकेडमी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें. और पीयूष एकेडमी भोपाल के नाम से एक प्ले स्टोर पर ऐप भी है, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें, शेयर करें. थैंक यू.